जापान में भूकंप के तगड़े झटके लगने के बाद हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई है। इशिकावा में समुद्र की ऊंची लहरें डरा रही हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। रूस के तटीय इलाकों में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जापान के पश्चिमी तट के पास भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान में भूकंप कितना ज्यादा खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 33,000 से भी ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई रुक चुकी है। संवेदनशील और चिंताजनक मंजर के बीच भारतीय दूतावास की तरफ से भी आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने संपर्क के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 को आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी के संबंध में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को भी बनाया गया है। दूतावास के मुताबिक मदद पाने के लिए आपातकालीन नंबरों और ईमेल आईडी पर संपर्क करने के अलावा स्थानीय प्रशासन और सरकार के निर्देशों का पालन करें। दूसरी तरफ जापान में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी और बिजली सप्लाई कंपनी के मुताबिक भूकंप केंद्र के आसपास तकरीबन 3,500 घरों की बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। जापान के मुख्य द्वीप होनशू के बुरी तरह प्रभावित होने की खबर है। इसके अलावा तोयामा, इशिकावा और निगाता प्रांत में भी बड़ी आबादी भूकंप से प्रभावित हुई है। बता दें कि नए साल पर जापान से एक चिंताजनक वाली खबर सामने आई थी। यहां 7.5 रिक्टर पैमाने पर आए तीव्रता के एक भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद कई झटके महसूस किए गए। इससे देश के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि ये जानकारी सामने आई है कि इशिकावा प्रांत के बाजमा शहर में तकरीबन 1.5 मीटर की सुनामी की लहरें टकराई हैं। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच जापान ने इशिकावा, निगाता और तोयामा नागोनो प्रांतों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। वहीं सोशल मीडिया पर तोयामा शहर में आई सुनामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां तकरीबन 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वहीं भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की भी आशंका है। बता दें कि भूकंप के झटके टोक्यो और पूरे कांटो इलाके में महसूस किए गए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह भी कहा है कि जापान के मुख्य द्वीप होनशू के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समय अनुसार तकरीबन 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 7.6, 6.1, 4.5, 4.6 और 4.8 का तीव्रता का भूकंप आया। वहीं अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि इसके तुरंत बाद ही 6.2 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया। बताते चले कि जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बुरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना भी माना गया था। तब समुद्र में 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें तकरीबन 18,000 लोगों की मौत हो चली थी। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ही ओशियनिक टेक्टोनिकल प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है और इनके असर से ही सुनामी होती है और वोल्केनो भी फटते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।